नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अभी 700 से 800 के बीच का प्रॉफिट चल रहा है। अभी 500 भी दिखा रहा है बीच में। तो सुबह सबसे पहले हमने 30,900 की कॉल, जो पहला ट्रेड था जिसमें कि 1300 रुपये का लॉस हुए, वो हमने शॉर्ट करने की कोशिश की थी कॉल, लेकिन हमारा एक ट्रेलिंग एसएल चला गया। उसके बाद हमने 31,000 का पुट शॉर्ट किया था। पुट शॉर्ट करने का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। तो आज मेरा व्यू थोड़ा बुलिश है मार्केट के ऊपर दोस्तों, लेकिन मैं स्काल्पिंग में हमेशा आपको बताता रहता हूँ 20-30 पॉइंट का टारगेट और 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो ऑलरेडी हमने जो स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट की है 293.60, मतलब 294 के आसपास, तो वो अभी 262-260 के आसपास आ चुका है। लगभग 40-50 पॉइंट हमने कवर कर लिए है दोस्तों, लेकिन हमें हमारा सुबह लॉस हो चुका था। तो कोशिश करेंगे कि मोर देन 1000 का प्रॉफिट आज बुक करें। तो अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। मैं इसके बाद वीडियो पॉज कर सकता हूँ, उसके बाद मैं दूसरी स्क्रीन के ऊपर जाके आपको टेलीग्राम चैनल भी दिखा दूंगा। और आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोज़ मैं छोड़ने वाला हूँ, सैटरडे संडे लर्निंग वीडियोज़, तो उसके बारे में मैं आगे बताऊँगा। और मार्केट का व्यू क्या होगा आगे ये भी बताने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो देख सकते हो अभी मेरे जो सेलिंग प्राइस है उसके नीचे 50 पॉइंट के आसपास आ चुका है, 45 पॉइंट्स या 44 पॉइंट आ चुका है। अभी देखो 50 पॉइंट क्रॉस कर चुका है। तो हो सकता है वीडियो को यहाँ पे मैं पॉज करूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग सकता है और भी, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो अभी हम कोशिश करेंगे वीडियो को पॉज करके दूसरी स्क्रीन के ऊपर चले जाए, क्योंकि अभी टाइम लगने वाला है, तो वीडियो को मैं पॉज करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो ऑप्शन राइटिंग या सेलिंग जब भी करते हो आप, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देते हैं। देख सकते हो दोस्तों अभी मार्केट क्लोज हो चुका है, तो एक बार स्क्रीन रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो मैंने जैसे बताया था कि सुबह मैंने वीडियो पॉज कर दिया था, उसके बाद मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है स्क्रीन, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हो 1400 के आसपास, लगभग 1500 रुपये के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया है, और सुबह जो हमने स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट की थी उसमें लगभग 2500 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है दोस्तों। तो ये उसके कुछ ऑर्डर्स बुक है, मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। आप हो सकता है तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो सारे ऑर्डर्स वगैरह। तो चलिए मैं कुछ लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ, हम वहाँ पे डेली बेसिस पे कॉल प्रोवाइड करते हैं स्टॉक्स के ऊपर। ये देख सकते हो वहाँ पे, उसमें टारगेट मिनिमम 1:1 रहता ही रहता है, मोर देन 1:1 भी रहता है। तो आप एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हो, हर रोज हम वहाँ पे हम एक बाय और एक सेल करने के लिए देते हैं। तो निफ्टी ने ऑल टाइम हाई अपना क्रॉस कर दिया है दोस्तों, बहुत दिन पहले ही कर दिया है उसने। अभी वो 14,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी अपना ऑल टाइम हाई से नीचे है। चलिए मैं थोड़ा, ये वन डे का टाइम फ्रेम है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है, ये 32,500 के समथिंग आज है लास्ट ईयर का। तो अभी बैंक निफ्टी देख सकते हो कि क्या हुआ था, लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन से, मतलब लास्ट एक वीक से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था दोस्तों। वो कौन सा रेंज था ये भी बता देता हूँ। ये देख सकते हो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट टाइम रिट्रेस हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, तो ये ब्रेकआउट का लेवल था। तो ये देख सकते हो ऊपर का साइड है 31,500 और नीचे का साइड है 31,000, तो 500 पॉइंट के बीच में ही ट्रेड कर रहा था लास्ट ट्रेडिंग लास्ट वीक से, मतलब लगभग 29 दिसंबर से ट्रेड कर रहा था उसी के बीच, और आज उसने एक रेंज ब्रेकआउट दे दिया दोस्तों। तो अभी इसका नेक्स्ट टारगेट कौन सा हो सकता है, मैंने अभी बताया था 32,000 मिनिमम 500, मतलब यहाँ से लगभग और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर दिया है। तो अभी बैंक निफ्टी की बारी है कि वो भी हाई अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर दे दोस्तों। तो अभी ये कब डिपेंड करता है कि मार्केट कल ओपन कहाँ पे होता है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं ओपनिंग प्राइस के ऊपर। तो मार्केट कहाँ पे ओपन होता है ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। आने वाले टाइम में बहुत ही ऐसे हम लर्निंग वीडियोज़ आपके लिए बनाने वाले हैं, तो सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाद बाजू में एक बेल आइकॉन आता है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। और टेलीग्राम की भी आइडिया मैंने आपको बता दी थी अभी, कि वहाँ पे डेली बेसिस पे सुबह मार्केट ओपन होने के पहले हम कॉल देते थे, उसमें मोर देन 1:1 का प्रॉफिट रहता है दोस्तों। तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और कोई आपको अगर कोई आपका क्वेश्चन है या सवाल है तो आप हमें इंस्टा पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।